स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो देश में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिक पैरामीटर पर काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के लिए 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जीडीपी के साथ भारत का रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में देश का टॉप परफॉर्मर माना जाता है। इसी तरह गुजरात को भी देश के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में से एक माना जाता है। यही नहीं, बीते साल ही गुजरात को बीते दशक में देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट माना गया है। इसी तरह अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नई इबारत दिख रहा है, जहां बीते कुछ सालों में उसके डेवलपमेंट वर्क की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक द्वारा भी हाल ही में की गई है। लेकिन जब भी गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आती है तो रिसेंटली एक नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और उस स्टेट है उड़ीसा। और उसका प्रमुख कारण है कि बीते काफी सालों से लगातार उड़ीसा अलग अलग इंडेक्सेस में अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। इसका श्रेय दिया जाता है वहां के करंट चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को, जिन्होंने 2000 में उड़ीसा के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से ही अपना फोकस सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बनाने और गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने पर दिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने 3T नाम का एक एजेंडा भी लॉन्च किया था। इसका मेन फोकस था स्टेट के डेवलपमेंट में टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी के साथ टेक्नोलॉजी के यूज को प्रमोट करना। इसी तरह चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने 5th टर्म के स्टार्ट होते ही उन्होंने 5T मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके जरिए उन्होंने 3T के डायमेंशंस को बढ़ाते हुए ट्रांसपेरेंसी, टीमवर्क, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्टेट में टाइमलाइंस लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन को भी ऐड किया है। यही कारण है कि उन्हीं की पॉलिसीज का नतीजा है कि उड़ीसा की इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्टेडी पेस के साथ ग्रो होती जा रही है। बीते फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ही उड़ीसा की इकोनॉमी 7.82% के साथ ग्रो हुई, जिसमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ने मेजर कंट्रीब्यूशन तो दिया ही, मगर उससे भी खास बात यह है कि उड़ीसा के ये ग्रोथ परसेंटेज भारत के काफी सारे स्टेट्स और इंडिया के अपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से भी बेटर था। लेकिन इसी के साथ उड़ीसा ने एक अनवांटेड प्रॉब्लम को भी फेस किया है, जहां इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स की वजह से उड़ीसा के कई सारे रीजन्स ने बहुत से डेवलपमेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ा है, जिसके चलते उड़ीसा में हमें डेवलपमेंट के टर्म्स में रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। यही कारण है कि आज उड़ीसा के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको इस डेवलपमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा शेयर मिला है और वो काफी डेवलप हो गए हैं। वहीं बहुत सारे रीजन्स आज भी बैकवर्ड का टैग लेकर बैठे हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा के केबीके डिस्ट्रिक्ट यानी कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी के अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ही रीजन्स माने जाते हैं जहां पॉवर्टी का इंसिडेंस काफी हाई है। इसी तरह सदर्न और वेस्टर्न उड़ीसा के काफी सारे पॉकेट्स भी सोशली और इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें काफी सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जो हर साल नेचुरल कैलमिटीज को फेस करते हैं और इन नेचुरल कैलमिटीज के बाद इन रीजन्स को रीडेवलप करने के लिए अच्छे खासे फंड्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये रीजन्स उड़ीसा के वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं। आज के इस वीडियो में हम उड़ीसा के डिफरेंट रीजन्स में फैली हुई डेवलपमेंट डिस्पैरिटी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा में इस रीजनल डिस्पैरिटी के पीछे कारण क्या है और कैसे ये आगे चल के उड़ीसा के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उड़ीसा एक मिनरल रिच स्टेट है और यहाँ कुछ बेहद इंपॉर्टेंट माइंस हैं। उड़ीसा के माइंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये स्टेट ना केवल भारत की इकोनॉमी पर बल्कि भारत के वर्ल्ड ट्रेड पर भी एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है। आज उड़ीसा भारत में आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया के ओवरऑल आउटपुट का 53.8% कंट्रीब्यूट करता है। खासतौर पर यहाँ के मयूरभंज, सुंदरगढ़, केवंझर और जजपुर माइंस तो अपने आयरन प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। उड़ीसा के इन्हीं माइंस के बल पर ही भारत 2030 तक अपने स्टील प्रोडक्शन को डबल करना चाहता है, जो कि भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2.1% का कंट्रीब्यूशन देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे अगले डिकेड में ये 3% कंट्रीब्यूशन के मार्क को क्रॉस कर जाएगा। आयरन और स्टील के अलावा उड़ीसा बॉक्साइट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पूरे इंडिया का 50% बॉक्साइट अकेले प्रोड्यूस करता है। यहाँ के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट अपने बॉक्साइट माइंस के लिए जानी जाती हैं। इसी तरह उड़ीसा में मैग्नीज ओर, चाइना क्ले, क्रोमाइट, कोल, डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, जेमस्टोन्स, लाइमस्टोन्स, मिनरल सैंड, निकल ओर, पाइरोफाइलाइट और क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स का भी भंडार मौजूद है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उड़ीसा भारत की डेवलपमेंट स्टोरी में एक डेट्रीमेंटल रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जब भी डेवलपमेंट स्टोरी उड़ीसा के लोकल लेवल पर देखी जाती है तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है। और सबके बावजूद अगर उड़ीसा को इंडियाज रिचेस्ट पुअरेस्ट स्टेट का टाइटल दिया जाए तो गलत नहीं होगा,
क्योंकि भले ही ओडिशा मिनरल रिसोर्सेज के मामले में भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हो, लेकिन इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर ये वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट बन जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक माइनिंग का ओडिशा को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 3 दशक में स्टेट में हुई माइनिंग एक्टिविटीज का ओडिशा के सिर्फ 1% पॉपुलेशन पर ही इन्फ्लुएंस हुआ है और इस एक्टिविटी से नई वेल्थ जनरेट नहीं हुई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने ओडिशा को सिर्फ एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज करने का काम किया है। यही कारण है कि डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार रूरल ओडिशा में लोगों के पास ऑन एन एवरेज केवल 2.81 लाख रुपीज के एसेट्स थे, जो भारत में सबसे कम है। वहीं अर्बन ओडिशा में भी लोगों के पास एवरेज 7.9 लाख के एसेट्स मौजूद थे और ये भी भारत में लोवेस्ट है। और ये सिचुएशन ओडिशा के मिनरल डिस्ट्रिक्ट्स में और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जहां नॉर्दर्न ओडिशा की ट्राइबल बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा जिसमें मयूरभंज और केवंझर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जबकि सदर्न वेस्टर्न ओडिशा में आने वाले कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और बौद्ध जिला पिछले कई दशक से इग्नोर रहे हैं। उदाहरण के लिए केवंझर, जिसे ओडिशा में माइनिंग का एपिसेंटर कहा जाता है, आज भी लगभग 60% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। इसी तरह एशिया की बॉक्साइट कैपिटल कोरापुट में बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों का परसेंटेज 79 तक पहुंच जाता है। यानी साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि ओडिशा के जिन रीजन से मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहां उससे होने वाली इनकम का कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि इसके ऑपोजिट पॉवर्टी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसने यहाँ के सोशल फैब्रिक तक को नेगेटिवली इफेक्ट किया है। और एक्सपर्ट्स द्वारा ये माना जाता है कि इस डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन रीजन्स में गवर्नमेंट द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, उसे यहाँ प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया गया। यहाँ तक कि भारत के इंडिपेंडेंस से लेकर अगले 50 साल तक ओडिशा में जो भी इन्वेस्टमेंट की गई, वो यहाँ के कुछ रीजन्स तक सीमित रही। वहीं स्टेट की कोल बेल्ट और मिनरल रिच रीजन्स को भी इन्वेस्टमेंट मिली, वो इन्वेस्टमेंट भी केवल मिनरल एक्सप्लोरेशन के यूज तक ही सीमित रही। यानी मिनरल को एक्सप्लोर करने और उसे एक्सट्रैक्ट करने के अलावा ये इन्वेस्टमेंट ओडिशा के लोकल रीजन्स के डेवलपमेंट और यहाँ के लोगों के बेटरमेंट के काम नहीं आई। इसी वजह से मिनरल्स एक्सप्लोर होने के बावजूद भी ओडिशा में इनके वैल्यू एडिशन और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं हो पाई। हालांकि आयरन और बॉक्साइट रिच केवंझर, कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी को इन्वेस्टमेंट्स मिली और रीजन्स में कुछ रिफाइनरीज को भी स्टैब्लिश किया गया। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम पार्क को कोल रिच अनुगुल और झारसुगुड़ा रीजन में स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन यहाँ सेटअप होने वाली इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की संख्या भी नेग्लिजिबल ही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वो भी पारादीप पोर्ट जैसे एरियाज में किया गया, ताकि ओडिशा के कोस्ट का बेनिफिट उठाया जा सके। ऐसे में ओडिशा के मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स को इग्नोर किया गया, पर अभी भी इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया गया है, जिससे ओडिशा का मिनरल रिच रीजन और यहाँ के लोग माइनिंग जैसी प्राइमरी एक्टिविटीज में ही उलझ कर रह गए हैं। हालांकि हाल के कुछ सालों में ओडिशा गवर्नमेंट की ओर से इस दिशा में प्रयास होते देखे जा रहे हैं, जहां ओडिशा में अपने 5th टर्म को शुरू कर चुकी नवीन पटनायक गवर्नमेंट सेंटर में रूल करने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा स्टेट की माइंस की लीज मार्च 2020 में एक्सपायर होने वाली थी, उसके पहले ही उन्हें ऑक्शन करने का डिसीजन लिया गया। यानी भारत के लगभग 25% आयरन और मैंगनीज और रिसोर्सेज को कैप्टिव यूजर्स और मर्चेंट माइनर्स को लीज किया गया है, जिससे आने वाले वक्त में ओडिशा स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में और भी तेजी के साथ प्रोजेक्ट होगा, जो भारत के 2030 तक 300 मिलियन मेट्रिक टन स्टील कैपेसिटी के टारगेट को अचीव करने में प्रिंसिपल प्रोवाइडर बनेगा। मगर प्रश्न अब भी वही है कि क्या इस तरह के डिसीजन से ओडिशा के इग्नोर्ड रीजन्स को कोई मेजर बेनिफिट होगा? क्या उस रीजन को फायदा मिलेगा जहां की धरती को चीर कर ये मिनरल्स निकाले जा रहे हैं? यह इस बार भी ओडिशा का मिनरल रिच रीजन अपने डेवलपमेंट की राह देखता रह जाएगा, इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ओडिशा की डेवलपमेंट डिस्पैरिटी केवल उसके मिनरल रिच रीजन तक ही सीमित नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, डिस्पैरिटी का दूसरा एग्जांपल हमें टूरिज्म सेक्टर में देखने को मिलता है। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जो टूरिज्म का इमेंस पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल कोस्ट से लेकर नेशनल पार्क तक, हिल से लेकर रिवर्स तक और लेक से लेकर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन ऐसा मालूम होता है मानो अब तक ओडिशा गवर्नमेंट का मेन फोकस भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क कॉरिडोर पर ही था, जहां तीनों सिटीज को मिलाकर ओडिशा का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भुवनेश्वर में सिचुएटेड लिंगराज टेम्पल, पुरी में सिचुएटेड जगन्नाथपुरी टेम्पल और कोणार्क में सिचुएटेड सेंट टेम्पल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट जो भी प्लान्स टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने में लेकर आती थी, उसमें से इन एरियाज के डेवलपमेंट पर मेजोरिटी स्पेंडिंग की जाती थी। उदाहरण के लिए 2019 में ओडिशा गवर्नमेंट ने इकारमा प्रकल्प प्रोजेक्ट लॉन्च किया,
जिसे इकारमा क्षेत्र एमिनिटीज और मॉन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इकारमा क्षेत्र भुवनेश्वर के एंशियंट नेम को डिनोट करता है। इस प्लान के अंदर डिसाइड किया गया कि लिंगराज टेम्पल के अराउंड 80 एकर्स लैंड में आने वाले सभी मॉन्यूमेंट्स, होली टैंक्स और वाटर बॉडीज को रीडेवलप किया जाएगा। इसमें लिंगराज टेम्पल, अनंत वासुदेव, मुक्तेश्वर टेम्पल, बिंदु सागर और कई इंपॉर्टेंट दूसरे प्लेसेस शामिल हैं। लगभग 280 करोड़ रुपीज के इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जून 2023 में रखा गया। देश में चार धाम में से एक पुरी में सिचुएटेड जगन्नाथ टेम्पल के लिए भी बड़ा बजट एलोकेट होता है। ओडिशा गवर्नमेंट ने पुरी को रीडेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट पुरी को लॉन्च किया है। इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है और सिटी के डेवलपमेंट के लिए 4200 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा 2023-24 की रथ यात्रा के लिए लगभग 270 करोड़ रुपीस के बजट को एलोकेट किया गया है। अब कोणार्क सन टेम्पल को रीडेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान की शुरुआत कर दी है। ओडिशा का कोणार्क टेम्पल इस स्टेट की इकलौती यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लगभग 3200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का नाम है अबाधा, यानी ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज और डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। इस प्रोजेक्ट में कोणार्क टेम्पल के साथ साथ जगन्नाथपुरी टेम्पल और लिंगराज टेम्पल भी शामिल है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का कहना है कि कोणार्क का डेवलपमेंट उनकी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में से एक है, इसीलिए इस सिटी में गवर्नमेंट रिंग रोड, एंट्री प्लाजा, मल्टी मॉडल हब, ओपन योर थिएटर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे डेवलपमेंट्स का प्लान कर चुकी है। लेकिन इन तीन सिटीज को छोड़कर उड़ीसा के किसी भी दूसरे टूरिस्टिक प्लेस पर कोई मेजर स्पेंडिंग नहीं की जा रही है। यही रीजन है कि जबरदस्त टूरिज्म पोटेंशियल होने के बावजूद उड़ीसा के काफी सारे एरियाज इस सेक्टर में अंडर डेवलप्ड रह गए। अगर हम उड़ीसा के ज्योग्राफी पर गौर करें तो ये भी ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में लोकेटेड है। इस स्टेट में 33% फॉरेस्ट कवर, 2 नेशनल पार्क्स, 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 3 टाइगर रिजर्व्स और बहुत सारे स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स और रिवर्स और रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिर ओडिशा की ब्यूटी और टूरिज्म पोटेंशियल को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क में मैंग्रोव्स की वाइड वैरायटी और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड सिमलीपाल नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ जुरांदा और बरही पानी जैसे वाटरफॉल्स भी हैं। इसके अलावा नियमगिरी हिल्स का टूरिज्म पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। बस जरूरत है तो इन्हें एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रोजेक्ट करने की, क्योंकि पिछले एक दशक में ओडिशा में टूरिस्ट का फुटफॉल काफी तेजी के साथ बढ़ा है, जिसे यदि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ठीक तरह से चैनलाइज करती है तो ओडिशा देश का एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर सकता है, जिससे ओडिशा की इकोनॉमी और रीजनल डेवलपमेंट को एक जरूरी पुश मिलेगा। साथ ही ओडिशा का टूरिज्म सेक्टर यहाँ की जनता को जॉब्स प्रोवाइड करने में भी एक प्राइम रोल प्ले करेगा। ओडिशा की इसी जरूरत को समझते हुए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने टूरिज्म को इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाने के लिए स्टेट के सभी एरियाज के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेल्फ सस्टेनिंग मोड पर चलने वाली 30 इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करना शुरू कर दिया है, जो अलग अलग फॉरेस्ट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। दोस्तों, ये इको टूरिज्म स्पॉट्स आपको अपनी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। इसी तरह फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एयर एशिया के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ओडिशा तक डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू किया जा सके। इसी तरह जगन्नाथ ट्रेल, कोस्टल ट्रैक्स, कोस्टल क्रूजेस, साइकिल टूर्स, फूड फेस्टिवल्स और वीकेंड गेटवेज जैसे इनिशिएटिव्स को ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहीं इंडेंजर्ड ऑलिव राइडली सी टर्टल जनवरी और फरवरी के महीने में ओडिशा के कोस्टल एरियाज में ही मास नेस्टिंग करते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आने लगे हैं। इसके लिए गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड पुदामपेटा विलेज को एक पॉपुलर साइट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह ओडिशा की मांगला जोड़ी को भी एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां अलग अलग तरह की बर्ड्स को लोकेट करने के लिए दुनिया भर से बर्ड वॉचर्स यहां पर आते हैं। इसी के पास सिचुएटेड चिल्का लेक एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, जो पीक सीजन में बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बन जाती है। साथ ही इरावड़ी डॉल्फिन के लिए फेमस सातपाड़ा भी टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। यानी अब ओडिशा के पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ की अथॉरिटीज हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती हैं, जिससे आने वाले वक्त में यहाँ के टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट केवल गोल्डन ट्रायंगल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ओडिशा के दूसरे रीजन भी अपने टूरिज्म पोटेंशियल का भरपूर फायदा उठा पाएंगे, जिससे इस डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलेगी। ओडिशा के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओडिशा की इकोनॉमी में यहाँ के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शेयर बेहद कम है। तो चलिए अब हम ओडिशा की इस डिस्पैरिटी को भी समझ लेते हैं।
दोस्तों ओडिशा को हमेशा से एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कंसीडर किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ के प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के लिए कोस्टल ओडिशा, संबलपुर और गंजाम को आजादी के बाद अगले 50 साल तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हाईएस्ट शेयर मिला। इसके ऑपोजिट दूसरे रीजन का शेयर नेग्लिजिबल था। ओडिशा के हाई इंटेंसिटी इरिगेटेड रीजन कोस्टल ओडिशा, गंजाम और हीराकुड रीजन थे, यानी यही वो रीजन्स थे जहां पर इरिगेशन की बेहतर फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाया जा रहा था और इसलिए यहां का एग्रीकल्चर काफी वेल डेवलप्ड हो पाया। लेकिन ज्यादातर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स लो इंटेंसिटी इरिगेटेड रीजन्स थे और यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर की इस डिस्पैरिटी को सॉल्व करने के लिए पिछले 30 सालों में इस रीजन्स में नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और स्कीम को अनाउंस किया गया, लेकिन इनकी प्रोग्रेस का रेट इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से काफी स्लो रहा है। और ओडिशा की ट्राइबल बेल्ट में फंड्स की कमी, रीजनल डिस्टरबेंस और लैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से ज्यादातर इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में दशकों लग जाते हैं। इसलिए आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर की डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो पाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओडिशा स्टेट में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, यहाँ का इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर भी काफी हद तक कुछ एरियाज में ही कंसेंट्रेटेड है। ओडिशा के मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट यहाँ के स्टेट कैपिटल यानी भुवनेश्वर और कटक के एरियाज में देखने को मिलते हैं। रीजनल लेवल पर कुछ हद तक वेस्टर्न ओडिशा में संबलपुर और सदर्न ओडिशा में बैरमपुर में ये सेक्टर फ्लरिश कर रहे हैं। इसके चलते ओडिशा की सिटीज बाकी सभी रीजन की अपेक्षा ज्यादा डेवलप्ड है और वेस्टर्न और सदर्न ओडिशा की दूसरी कोई भी सिटी डेवलपमेंट चार्ट में नजर नहीं आती, बल्कि सेम रीजन में होने के बावजूद ओडिशा के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स निग्लेक्टेड ही रहे हैं। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा प्रपोज ज्यादातर पब्लिक इंडस्ट्रियल पार्क और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जा रही मेजर इन्वेस्टमेंट गंजाम, खोरदा, भद्रक, अनुगुल, जगतसिंहपुर, बालासोर और ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। साथ ही गंजाम, संबलपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट धमरा में 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क और ढेंकनाल में 1000 एकड़ का मेडिकल पार्क अप्रूव कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने मलीपाड़ा में भी 800 एकड़ का एक टेक्सटाइल पार्क अप्रूव किया था और बालासोर में 500 एकड़ का पेट्रोकेमिकल पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओडिशा का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी 100 किलोमीटर के रेडियस में आ रहा है जो ब्रह्मपुर और बालासोर के थ्रू पास होगा। इन प्रोजेक्ट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कुछ रीजन्स में पूरा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कंसंट्रेट हो चुका है। इसका नुकसान दूसरे रीजन्स को हो रहा है जो गवर्नमेंट द्वारा निग्लेक्टेड रहे हैं और डेवलपमेंट की रेस में पीछे छूट गए हैं, जिसके चलते ओडिशा के विभाजन तक की मांग उठाई जाने लगी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट ने ओडिशा के डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए और गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे सभी इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाना इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बात में भी कोई दोहराय नहीं है कि ओडिशा में हर रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ की कोशिश हो रही है और ओवरऑल ओडिशा का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी पिछले 20 साल में ओडिशा में डिफरेंट रीजन के बीच डेवलपमेंट डिस्पैरिटी का गैप कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसी बढ़ते गैप की वजह से ओडिशा में सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड भी सामने आती रही है, जहां इन फार ऑफ निग्लेक्टेड रीजन्स में रहने वाले लोग अपने लिए एक सेपरेट कौशल स्टेट की डिमांड वर्षों से करते आ रहे हैं। साथ ही वेस्टर्न ओडिशा युवा मंच, कोसला यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोसला स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोसला सेना, कोसला मुक्ति वाहिनी और कोसला राज्य मुक्ति मोर्चा जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डिमांड के लिए आगे आते रहे हैं। अब उनकी डिमांड कितनी जायज है या ओडिशा के इस पार्टीशन से उनके रीजनल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक अलग वीडियो, एक अलग रिसर्च का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले ओडिशा के रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने के प्रयास नहीं हुए हैं, बल्कि इसके पहले ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने 1991 में प्रफुल्ला चंद्र गढ़ई की अध्यक्षता में, 2004 में जस्टिस एस के मोहंती की अध्यक्षता में अलग अलग कमिटीज बनाई थी जो ओडिशा की रीजनल डिस्पैरिटी की समस्या के लिए सजेशंस दे सके, मगर इनके द्वारा सबमिट की गई कई रिपोर्ट्स आज तक कहीं फाइलों में बंद हैं, बल्कि खासतौर पर ओडिशा के रीजनल डेवलपमेंट को फ्यूल करने के लिए 1998 में बनाए गए वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं 2022-23 में 2 लाख करोड़ के भारी भरकम ओडिशा स्टेट बजट से भी इस काउंसिल को महज 250 करोड़ ही एलोकेट किए गए। ऐसे में इस इशू पर स्टेट गवर्नमेंट के रवैये पर भी सवाल उठाए जाने लाजमी है, क्योंकि अब समय आ गया है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ओडिशा को लेकर अपने पुराने इंडिफरेंस को छोड़ते हुए मिलकर इन निग्लेक्टेड रीजन्स के डेवलपमेंट पर कुछ गंभीर पहल करें, जहां उन्हें मिलकर एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए ओडिशा की इस एज ओल्ड प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, जिससे इस डेवलपमेंट डिस्पैरिटी की गैप को खत्म किया जा सके, क्योंकि जब तक पूरा ओडिशा मिलकर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक
ओडिशा डेवलपमेंट के मामले में वो मुकाम नहीं पा पाएगा जितना उसमें पोटेंशियल है। दोस्तों, अगर आप ओडिशा के लोकल हैं तो आप बताइए कि क्या ये डिस्पैरिटी सच में एग्जिस्ट करती है और ग्राउंड लेवल पर ये किस तरह चीजों को इम्पैक्ट करती है और इसमें सुधार लाने के क्या तरीके हो सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज डिस्कस द डेवलपमेंट डिस्पैरिटी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओडिशा, ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिज द गैप। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।